सो गाइस, आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा स्नैपशीट एप्लीकेशन यूज करके कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग कैसे करना है। देख सकते हो गाइस कितना अच्छे से फेस स्मूथ हुआ है, फेस वाइट हुआ है एंड बैकग्राउंड भी कितना अच्छे से इरेज हुआ है। मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अभी चलिए शुरू करते हैं। स्नैपशीट एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ये वाला जो पेंसिल वाला आइकन दिया है इसमें क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, अभी ये वाला जो टूल दिया है इसमें अभी क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी इधर जो बैकग्राउंड अभी मैं यूज़ किया हूँ उसको मैं बैक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उधर से डाउनलोड कर दीजिए। ये रहा हम लोग का बैकग्राउंड। अभी क्या करेंगे ना, इसका जो ऑपोजिट है इसको पूरा फुल करेंगे, ठीक है गाइज। करने के बाद इधर जो टिक वाला ऑप्शन दिया है इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है गाइज। अभी क्या करेंगे ना, ये पूरा बैकग्राउंड को इरेज करेंगे, ये वाला टूल पे जाएंगे, फिर व्यू एडिट इधर जो है इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी जाएंगे इधर जो डबल एक्सप्लोर जो दिया है इसमें क्लिक करेंगे, फिर इधर जो मिडिल पे दिया है पेंसिल वाला आइकन इसमें क्लिक करने के बाद अभी इसका जो दिया है इसको पूरा 100 रखेंगे, फिर कुछ इस तरह का बैकग्राउंड को इरेज करना है। मैं थोड़ा स्पीड कर दिया हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है गाइज। और अच्छे से पूरा इरेज कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा एडिटिंग, ठीक है गाइज। और मैं आप लोग को इरेज करने के बाद फिर बोलता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। सो गाइज, अभी पूरा बैकग्राउंड इरेज हुआ है, ठीक है। अभी बैक, फिर इससे बैक जाएंगे, अभी इधर पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। करने के बाद अभी इधर जो दिया है ट्यून इमेज इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी मैं जितना भी ब्राइटनेस वगैरह कुछ भी रख रहा हूँ उसको अच्छे से देखिए, ठीक है, मैं कितना रख रहा हूँ, ठीक है। क्लिक करेंगे टिक वाला ऑप्शन पे, फिर से जाएंगे वो पेंसिल वाला आइकन पे फिर से जाएंगे, ठीक है। अभी इधर जो दिया है कर्व इधर इसमें जाएंगे, अभी क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा हल्का सा ऊपर करेंगे, ठीक है। फोटो का साथ मैच करके कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है। अभी टिक में ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से जाएंगे पेंसिल वाला आइकन पे, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, इधर जो डिटेल्स दिया है इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं जितना रख रहा हूँ आप लोग को अच्छे से देखिए, ठीक है। सो गाइज, अभी क्या करेंगे ना, इधर जो पेंसिल वाला आइकन दिया है इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है गाइज। अभी क्या करेंगे, इधर जो हीलिंग वाला ऑप्शन दिया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है गाइज। अभी जिधर जिधर स्पॉट हुआ है इसके ऊपर बस एक बार टच करना है तो ये पूरा इरेज हो गया। देख सकते हो गाइज कितना अच्छे से हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह का जिधर भी ब्लैक स्पॉट कुछ भी होगा उसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा उधर से, ठीक है गाइज। कुछ इस तरह का करना है। अभी फिर से जाएंगे पेंसिल वाला आइकन पे, फिर क्या करेंगे ना, फेस को थोड़ा व्हाइट करेंगे। इसके लिए यह जो सिलेक्टिव टूल दिया है इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी इधर जो प्लस वाला आइकन दिया है इसमें क्लिक करेंगे, कुछ इसको लेके ऐसे कुछ एक तरह का जिधर भी तुम लोग का ब्लैक होगा उसका ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है गाइज।
अभी क्या करेंगे, फोटो को सेव करेंगे एंड शेयर करेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन पे। ठीक है, कुछ इस तरह का सेव करना है अभी फोटो को। ठीक है, सो गाइज अभी क्या करेंगे ना, ये वाला टूल पे जाएंगे। ठीक है, हेयर को अच्छे से एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, ये तो जो नीचे दिया है ये वाला टूल पे जाएंगे। ठीक है, फिर अभी क्या करेंगे ना, इसका सेटिंग का ऊपर क्लिक करेंगे, इधर जो ऊपर दिया है। ठीक है गाइज, अभी उधर जाएंगे। फिर अभी क्या करेंगे ना, इधर जो साइज फ्लो एंड स्ट्रेंथ मैं जितना रख रहा हूँ उतना रख के फिर फोटो को जूम करना है, कुछ इस तरह का हेयर का ऊपर करना है। ठीक है गाइज, देख सकते हो गाइज कितना अच्छे से हम लोग का एडिटिंग अभी होगा। ठीक है, देखो देख सकते हो गाइज कितना अच्छे से हम लोग का हेयर पूरा एडिटिंग हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा वीडियो स्पीड कर देता हूँ अभी। तो अभी फाइनली हम लोग का एडिटिंग पूरा ख़त्म हो गया है। कितना अच्छे से एडिटिंग हुआ है, फेस स्मूथ भी कितना अच्छे से हुआ है एंड हेयर भी कितना अच्छे से एडिटिंग हुआ है एंड बैकग्राउंड भी कितना अच्छे से एडिटिंग हुआ है। आप लोग को एडिटिंग कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताइए।